हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में, क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट कर रखा था कि सर मल्टी लेयर पीसीबी के ऊपर आप वीडियो शूट करो, और मेरे को भी लगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली मैं कई सारे वीडियोज आप तक शेयर कर रखा हूँ। सारे के सारे टू लेयर के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर कर किया है, चाहे वो एलटीएम के अंदर हो या डिप्ट्रेस के अंदर हो। एलटीएम का अगर सीरीज आपने देखा हो तो प्लेलिस्ट भी का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एलटीएम का भी जाकर के एक प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। वहां पे भी मैं पीसीबी डिजाइन सिखा रहा हूँ आप सभी को। तो लास्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया था मल्टी लेयर के बारे में, जिसमें कि मैं आपके साथ लेयर स्टैकअप के बारे में बात किया था। उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर किया था कि हम कीकैड के अंदर किस तरह से लेयर्स को अरेंज करते हैं, कि इन लेयर्स को कैसे हम एड ऑन करते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था। उसके बाद फिर मैं आपके साथ बात कर रहा था कंपोनेंट प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें अलग अलग हर एक सेक्शन को मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से बताया कि क्यों हम हर एक कंपोनेंट को किस जगह पे प्लेस करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा लास्ट होने वाला है कंपोनेंट प्लेसमेंट के ऊपर, जिसमें कि हम दो इंटरफेस करने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर और सेकंड होने वाला है हमारा यूआरट की एलईडी। तो इन दोनों को हम इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस बोलूँ या बोलूँ कंपोनेंट का प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वो है राउटिंग के ऊपर। और राउटिंग के अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीखोगे, जैसे कि बात करता हूँ तो पावर प्लेन पे हम पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पावर सेक्शन है। अगर बात 12 वोल्ट भी है, 5 वोल्ट है, 3V3 है, तो हम इस पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में आप सीखने वाले हो आने वाले वीडियोज में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर शुरू करेंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पर आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट आते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और चाहते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ना, करियर में स्किल को डेवलप करना, तो मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। पीसीबी डिजाइन हो, एम्बेडेड सिस्टम हो, सर्किट सिमुलेशन हो, आईओटी हो, या फिर आपके इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप तक शेयर करता रहता हूँ। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे दिया गया क्यूआर है, उसको उस पर जाकर के आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेकर के आपके लिए आऊँ। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे मिलता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। और हमने काफी सारे यहाँ पे कंपोनेंट प्लेसमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर हम स्कीमेटिक के थ्रू बात करें, तो हमने यहाँ पे पावर स्टेशन कर लिया, माइक्रो यूएसबी का इंटरफेस कर लिया था, एलईडी इंटरफेस कर लिया था, क्रिस्टल और ये केवल पेंडिंग था वीएसपीआई। फिर हमने यहाँ पे यूआर्ट के इंटरफेस देखे, उसके बाद फिर हमने आई टू सी के इंटरफेस देखे, फिर हमने वीसीसी के इंटरफेस देख चुके हैं, उसके बाद डीकपलिंग कैपेसिटर, सेवन सेगमेंट, एलसीडी, जीपीआईओस, ईएसपी, तो फाइनली हमारा प्लेस है फर्स्ट टाइम से, फर्स्ट डे वन से। तो आज हम करेंगे वीएसपीआई और क्रिस्टल को इंटरफेस, उसके बाद फिर हम एलईडी को इंटरफेस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा वीएसपीआई जो हमारा सर्किट है, ये सेवन सेगमेंट का हमारा था। ठीक है, तो अब हमारा आता है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हम क्रिस्टल को इंटरफेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टल हमेशा जो भी आपका इंटरफेस होता है, वो हमेशा माइक्रो कंट्रोलर के एकदम नियरेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखें, तो ये हमारा सर्किट है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये अगर बात करें हमारा यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा यहाँ से इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको प्लेस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, इसके साथ कौन से कंपोनेंट है, तो क्रिस्टल के साथ बात करते हैं, तो हमारे पास C3 और C5 है केवल। ठीक है, कैपेसिटर कौन से हैं, C3 और C5, वेयर इज C3 एंड C5, हियर इज द C3 एंड C5। ठीक है, इन दोनों को उठाते हैं और लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो C3 कहाँ पे है, C3 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, C3 हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर हम C5 की बात करें, तो C5 हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा C5 हो गया, तो क्रिस्टल हमारा इसके आसपास हो गया। अब अगर हम देखें नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा था, तो नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे SPI। ठीक है, SPI, SPI के लिए हमें चार एडिशन चाहिए, R1, R3, R4, R5, R1, R3, R4, R5। तो देख सकते हो यहाँ पे ये है, इसके वैल्यूज को हम डिलीट करते हैं और इसे सेटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा SPI का कनेक्टर, इसके जो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट है, इसको हम डिलीट करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे
कनेक्ट होगा, इसको रोटेट करेंगे और ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है R1, इसके बाद है हमारा R3, तो इसको भी रोटेट करेंगे। R3 के जो हमारे 3V8 के नेट नेम है, इसको हम ऊपर की साइड यहाँ पे रखेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। क्या होगा कि ये 3V8 और ये 3V8 ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, और जो नीचे के हैं ये हमारे सीधे कहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, ये हमारे कनेक्ट हो जाएंगे पिन पे इस कनेक्टर के। उसके बाद है हमारे पास R4, ठीक है। R4 के जो डेजिग्नेटर है इसको मैं ऊपर की साइड रखता हूँ और इस कंपोनेंट को मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा R5, तो R5 को क्या करते हैं हम इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया, बट आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने इस तरह से कैसे अलाइन किया है ना, तो ये इसको मैं अभी अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है। SPI वाले पार्ट को मैं अंदर यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, और इस J18 को मैं हटा के यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, SPI को इंटरफेस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा SPI यहाँ पे हो गया, I2C हो गया, UART हो गया, सारी चीज हो गई। अब बोलो सर ये दो चीज क्या है भाई, तो ये LED है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना ये LED है। तो इसको मैं नीचे लेता हूँ और ग्रीन वाले को हटाता हूँ। तो D4 और D5, ये D4 और D5 किसका है, ये D4 और D5 आपका UART का है। तो इस UART को मेरे को रखने के लिए मैं कहाँ रखूंगा, तो वो इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाएगा। तो UART का जो LED है ये हमारा रहेगा सिग्नल के पास, जो हमारा UART का कनेक्ट है, तो ये हमारा यहाँ पे LED रहेगा। तो LED को मैं चाहूँ तो यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। D5, तो हमारा J9 जो कनेक्टर है ये कैसा कनेक्टर है, ये कनेक्टर भी हमारा है, अगर नेट नेम हम देखें तो USB RX, ठीक है, USB TX, GPIO 3, USB TX, GPIO 3, यहाँ का ये नहीं है। तो ये D4 जो है हमारा कनेक्ट हो रहा है कहाँ, हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एक LED, ठीक है। तो इसको, इस LED को हम थोड़ा सा दूर रखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। और उसी तरह से हमारा ये नेक्स्ट पिन है, ठीक है। तो ग्राउंड ग्राउंड एक साथ हो जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, LED को भी इंटरफेस कर लिया, ठीक है। तो हमारा लोकेशन एकदम सेटिंग बैठा, प्रॉपर लोकेशन हो गया। तो हमारा क्या यहाँ पे, आप सारा आप देख सकते हो, जो हमारा सर्किट था कंप्लीट कंपोनेंट प्लेसमेंट का, ये हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। अब मैं आगे आपसे क्या बात करने वाला हूँ कि किस तरह से प्रॉपर इसको अलाइन करेंगे टेक्स्ट वगैरह को। तो टेक्स्ट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अलाइन कर रखा है, तो अब मुझे कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें केवल एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे प्ले राउटिंग करने की, ठीक है। तो कंपोनेंट को अब हम नियर बाई थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके रखेंगे, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो सारा कंपोनेंट यहाँ पे हमारा प्लेस हो गया है। अब हमें करना क्या है, बस यहाँ पे होल देने हैं मैकेनिकल, जहाँ के बोर्ड को किसी केसिंग के अंदर फिक्स कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे राउटिंग यहाँ पे। तो अभी हम राउटिंग करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, उसके बाद बाकी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हम किस तरह से इन कंपोनेंट का प्लेसमेंट करते हैं, और यहीं पे हमारा जो कंपोनेंट प्लेसमेंट का सीरीज है वो कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, जहां पे कि मैं बात करने वाला हूँ पावर प्लेन के, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पावर प्लेन के अंदर हम जाएंगे और बात करेंगे पावर को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, जिससे कि उन्हें भी स्किल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इनहेंस हो। और अगर आप लोग कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली आप करो, लिंक्डइन पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उसकी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।